स्वागत है। आज की वीडियो सर्वनाम प्रोनाउन पार्ट टू पर आधारित है। इससे रिलेटेड पहले वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें सर्वनाम के पहले तीन भेद दे रखे हैं। अब आ गया इस वाले वीडियो में आगे के तीन भेद बताने जा रहे हूं, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ी वीडियो बन रही थी, इसलिए छोटा करने के लिए दो अलग अलग वीडियो बनाई है। ठीक है, ये जो प्रोनाउन है ये छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक जो है काम आते हैं, खासकर 10th एग्जाम में। पर परिचय से मैं यह जो है सर्वनाम अक्सर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सर यह चौथा पॉइंट रह गया था हमारा प्रश्नवाचक मतलब होता है, शब्द से पता लग रहा है, प्रश्न कहने वाला, वाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति वस्तु घटना व्यापार आदि से संबंधित प्रश्नों का बोध होता है, जैसे क्या क्या है, क्या, कौन, किसे, किससे, कब, ये सारे जो है क्या प्रश्न करते हैं, कौन, किसे, किससे, कब, ये जो है इससे क्या है, ये सारे प्रश्न सूचक मतलब जो है प्रश्न से इससे प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, इनसे प्रश्नवाचक सर्वनाम को जैसे इनसे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल में किस तरह से यूज होते हैं। ठीक है, तो क्या जो प्रयोग है, क्या जो शब्द है, क्या मीन्स व्हाट, क्या शब्द जो क्या प्रश्न सूचक शब्द है, क्या प्रश्न सूचक शब्द अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए यूज होते हैं, अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए यूज होते हैं, अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए प्रयोग होते हैं। अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए प्रयोग होते हैं। और दूसरा है हमारे पास कौन, दूसरी तरफ है कौन, किसे, किससे, जो शब्द है प्रश्नसूचक शब्द, ये जो शब्द है प्रश्नसूचक शब्दों का इस्तेमाल कहां करते हैं, प्रश्नसूचक शब्दों का इस्तेमाल, शब्दों का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए प्रयोग होता है, प्राणीवाचक संज्ञा, जो प्राणीवाचक संज्ञा है उनके लिए यूज होता है, प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए प्रयोग होते हैं, प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए प्रयोग होते हैं। देखिए इससे रिलेटेड जो प्रश्न है, जैसे लिखा हुआ है तुम्हें खाने में क्या चाहिए,
क्या चाहिए, क्या चाहिए? देखो खाने में क्या चाहिए, खाने में जो है वो अप्राणीवाचक सिंह है, जो भी खाते हैं तो क्या चाहिए, ये अप्राणीवाचक में आ गया। दूसरा है बाहर कौन खड़ा है, तुम किससे मिलने जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। ये देखो प्राणीवाचक तुम किससे मिलने जा रहे हो, ठीक है। उसी तरह से मैं मुंबई किसे भेजूं, मैं मुंबई किसे भेजूं, किसे भेजूं। उसी तरह से समय दिखाने के लिए कब का प्रयोग करते हैं, तुम स्कूल से, तुम स्कूल से कब आए। टाइमिंग दिखाने के लिए, टाइमिंग शो करने के लिए कब का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा जो है वो प्रश्न सूचक सर्वनाम के बारे में। ये हमारा संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जो संबंध दिखाते हैं, जिन सर्वनामों से, सर्वनामों से दो भिन्न भिन्न बातों का संबंध प्रकट हो, संबंध प्रकट हो, या फिर क्या हो सकता है, जहां पर मुख्य वाक्य से आश्रित, मुख्य उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य का संबंध प्रकट हो। सो वह, जो, जिसे, वही, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। इनका प्रयोग युग्म के रूप में, शब्द युग्म के रूप में होता है। जैसा जैसा जैसे करोगे वैसे भरोगे, जैसे करोगे वैसे भरोगे, भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी चीज होता है अपना, निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक, लिखने वाला, लेखक अपने लिए, स्वयं के लिए, जिन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करता है। शब्दों का प्रयोग करता है, प्रयोग करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम या रिफ्लेक्स प्रोनाउन कहते हैं। जैसे स्वयं,
स्वयं, अपने आप, खुद, ये सारे स्वयं हो गया, अपने आप हो गया, खुद हो गया, ये जो है क्या है, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम के अपने आप है, खुद है, स्वतः है, निज, ये सारे निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए मैं अपना काम खुद करता हूं, दूसरा यहां पर खुद है जो है निजवाचक, दूसरा वह अपना काम स्वयं करता है, स्वयं करता है, ठीक है, तीसरा है अपने आप, हम स्वतः ही यहां आ गए या खुद ही यहां आ गए, यहां आ गए, हम खुद ही भी लिख सकते हो, खुद ही यहां आ गए, मतलब अपने आप से, ठीक है। अब जो ये आप है, ये दो अर्थों में, आप, खुद, स्वतः, ये जो है तीनों रूपों में कभी कभी यूज होता है, तीनों, खुद का जो प्रयोग है तीनों पुरुषों में होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीनों में इनका इस्तेमाल होता है, आप, स्वयं और खुद का। आपका प्रयोग निजार्थक, निज मतलब अपने अर्थ में, निजार्थक और आज्ञार्थक, आज्ञार्थक रूप में होता है। निजार्थक हो गया मैं, आप दंग रह गया, मतलब अपने आप से देख करके दंग रहेगा। आर्धार्थक में हो गया, आधार्थक में हो गया आपका शुभ नाम क्या है, यहाँ पर आपका ये जो आपका प्रयोग है यहाँ पर आदर के रूप में, आदर के रूप में दिखाया गया है। आज की वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन दोस्तों जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।